जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। दोस्तों सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक प्यारी सी गुड इवनिंग। तो दोस्तों 6 बज चुका है, लगभग 6 बज गया है और मैं अभी सो के उठा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो 2 दिन से नहीं आ रही थी, तो इसका कारण ये था कि हमारी डे और नाइट की शिफ्ट चेंज हो रही थी। फिलहाल चाय तो मैं पी लिया हूँ और चाय पी के फिर आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो मेरे टीवी में अच्छा लाइट आ रही है। तो दोस्तों ऐसा हुआ है कि आप लोगों के लिए अब मैं दोबारा से मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे फेसबुक पर आ रहे थे कि भैया आप एक हमें बता दो, ऐसे जैसे कि एक सीरीज स्टार्ट कर दीजिए या एक पार्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने एक पार्ट स्टार्ट अब शुरू कर दिया हूँ नाइट सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट बाय पार्ट मैं डिस्प्ले की कीपैड के बारे में और डिस्प्ले के में जितनी बटने होती हैं उनकी जानकारी दे दूँ। और नॉर्मल जानकारी तो सबको पता है और उसमें जो होता है एक्स्ट्रा जानकारी और शॉर्टकट जो फंक्शन होते हैं कैसे समझाना है कैसे क्या करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा और बढ़िया से बता दूँगा। तो कई लोग मुझे ये भी कहते थे कि भैया जो आप बता रहे हैं काफ़ी बढ़िया है, तो उनके लिए धन्यवाद। और जो कई बार क्या होता है कि सब्सक्राइबर लोग होते हैं कई बार छोड़ के चले जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो बड़ा मन खुश होता है, जब चले जाते हैं तो एक चले क्यों गए। तो चलिए कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया है, होता रहता है और हमारे साथ नहीं सबके साथ होता रहता होगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए हम उस जानकारी की तरफ और हम F1 से लेके F7 तक की जितनी बटन है उसके बारे में बता देते हैं, जो शॉर्टकट नॉलेज है उसको भी दे देते हैं। तो अब हम नाइट सेशन में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डे सेशन होगा, एक हफ्ता नाइट होगा एक हफ्ता डे होगा, तो इस करके थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। तो 2 दिन से इस करके नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ी तबीयत भी हमारी ढीली हो गई थी। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, आप लोगों से हम रोज़ कोशिश करेंगे, पिछली बार भी बोले थे कोशिश करेंगे लेकिन नाइट देखो तबीयत भी ढीली हो गई थी इस करके नहीं कर पाए। तो कोशिश जारी रहेगी कि हम जानकारी आप लोगों को जो दे देंगे वो बढ़िया देंगे और तसल्ली से देंगे। जो लोग सीखने वाले हैं अब सीखेंगे, बड़े आराम से सीख लेंगे, क्योंकि हमारी जानकारी तो हमारे नॉलेज में तो ये नहीं था कि हमें जानकारी देने होगी। हम तो ब्लॉग बना रहे थे कि चलो जो हम करते हैं वो दिखाएंगे लोगों को और जो मशीनों में आ जाएगा बता देंगे, नॉर्मली ऐसे ऐसे चीज़ आता था। लेकिन अब हमें ये करना पड़ गया कि सीरीज बाई सीरीज बताना पड़ गया, तो वो भी कोई बात नहीं, वो भी हम बता देंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले की जो बटन है, डिस्प्ले की जो 7K हैं उनके बारे में शॉर्टकट और नॉर्मल जानकारी दोनों बताएंगे और रिपीट करके भी बता देंगे। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम देर ना करते हुए बताते हैं इन, ये देखिए सर, 1, 2, 3 इन 3 बटनों का क्या काम है। इसका काम है अपना कटाई डालना या ये मशीन को रिसेट कराना। 2 नंबर का काम है पेज लॉक करना। 3 नंबर का काम है स्पीड स्लो या फास्ट करना। लेकिन इससे हट के हम कुछ और जानकारी बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी और बढ़िया होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं F1 पर। F1 पर दोस्तों ये रिसेट करने के लिए तो सभी लोगों को पता है कि रिसेट हो सकती है, लेकिन इसका एक और काम है, आप लोगों को हम दिखाते हैं इसका काम क्या है। इसका ये काम है कि जब हम इस डिस्प्ले पर यहाँ से 9 नंबर जब हम प्रेस करेंगे तो इसको यहाँ क्या करेंगे कि जब हम अपना वेटिंग फिटर लगाना होगा तब भी हम इसी F1 से कर सकते हैं। ये देखिए F1 से करके यहाँ पर यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर F1 से करके कर देते हैं। तो ये जानकारी है अपने F1 बटन की। F2 से पेज लॉक होता है, हाँ जी इससे पेज लॉक होता है। और F3 से मशीन की स्पीड स्लो और फास्ट की जा सकती है। ये देखिए सिंबल इसका कछु और खरगोश का दिख गया। तो इस करके ये वीडियो आप लोगों के लिए एक और नई जानकारी लेके आएगी कि जो F3 है, जो दोस्तों कोई भी हम नई डिज़ाइन सबसे एंड में लोड कराते हैं तो उसके लिए F3 2 बार प्रेस करते हैं तो वो डिज़ाइन वापस आ जाती। तो सो दोस्तों जो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता था अभी वो है F3 की। F3 की जानकारी मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को पता है कि F3 से केवल देखिए कछू और एक खरगोश ऐसे मतलब मशीन की स्पीड कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है, नहीं उसके अलावा भी इसकी एक जानकारी और है।
इसकी ये जानकारी है कि मैंने सबसे एंड में कौन सी, सबसे लास्ट में कौन सी पीस को ओवरराइट या लोड कराई है, वो जानकारी सबसे पहले एक नंबर पर निकल के आती है। तो इसकी जानकारी चलिए हम आप लोगों को फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले एंड में हमारी कौन सी पीस है, अब यहाँ पर 1701 लिखा गया, ये देखिए दोस्तों 1701 है, लेकिन नहीं, सबसे एंड में ये जो जानकारी, ये जो मतलब डिजाइन है, ये 25 तारीख दूसरा महीना 2022 का है। ठीक है दोस्तों, 25 तारीख दूसरा महीना 2022 की है। अब हमें 23 में सबसे एंड में कौन सी डिजाइन लोड है, तो हम क्या करेंगे, F3 को दो बार प्रेस करेंगे। तो दो बार हमने प्रेस किया तो ये सबसे पहले यहाँ दिखाएगा आप लोगों को कि 6 तारीख चौथा महीना 2023 को ये यानी कि लोड किया गया है, अभी आज की ही डिजाइन है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं इन तीनों बटन के बारे में। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली अपना हम रीसेट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है F1 से रीसेट करते हैं, F2 से पेज लॉक होता है, और F3 से फास्ट स्लो। तो हम यही जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि इससे रीसेट के अलावा भी और हो सकता है, जैसे कि हमने ये 9 नंबर दबा दिया, तो अब हम इसको F1 दबाएंगे तो ये मतलब वेटिंग यार्न जो लगाना होता है वो यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा, तो हम वेटिंग यार्न लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे इस वाले डिजाइन में लगा हुआ है। और इसी तरह F2 से हम क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ से इस चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पेज लॉक होने के लिए है, मतलब पैर जिससे चढ़ाया जाता है। और F3 से जानकारी हम अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि इसकी जानकारी से हमने क्या करना है, एक तो फास्ट और स्लो करना है, दूसरी जानकारी ये है कि अगर हम कोई भी डिजाइन सबसे लास्ट में लोड कराते हैं या ओवरराइट कराते हैं तो उसकी जानकारी सब एक नंबर पर लाने के लिए सबसे पहले या सबसे लास्ट में कौन सी डिजाइन नई हमारी लोड हुई है उसकी जानकारी F3 दो बार टैप करेंगे तो निकल के वो एक नंबर पर आ जाएगी। तो ये रही, हमने दोबारा रिपीट आप लोगों को बता दिया, इसके पहले एक वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो ये 4 नंबर है, इस 4 नंबर से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये देखिए ये लग गया सिंगल पीस स्टॉप। इससे ये होगा कि एक पीस बना के मशीन रुक जाएगी, और इसके बाद ये हम इसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये सिंगल पीस हट जाएगा, यानी अब जितना हम यहाँ पर भरेंगे उतना बनाएगी, नहीं तो अगर हम इसको अगर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो एक पीस बना के वो यहाँ पर रुक जाएगी, 414 के बाद रुक जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं 5 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों ये 5 नंबर है, ये मशीन चल रही है तो नहीं दिखाएगा, लेकिन F5 आता कैसे है कि जब मशीन में कोई भी अगर जैसे फॉल्ट आ जाए या कोई रूलर का या कोई भी इशू आए तो इस 5 नंबर से हम अलार्म को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी है 5 नंबर से अलार्म को बंद करने की, जबकि यहाँ पर आप लोगों को दिया है F5 प्रेस अलार्म टुगल, तो ये अलार्म को बंद करने की जानकारी है ये 5 नंबर से। और इसके बाद ये दोस्तों जो 6 नंबर है, 6 नंबर से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा अभी यार्न जो धागा लेके जा रही है, जो फिटर लेके जा रही है, ये वाला जो फिटर होता है, ये फिटर होता है, इसको लेके जा रही है, अगर कहीं पर धागा टूट गया है तो कि हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसको दबाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए दोस्तों हम इसको दबा रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक ऐसा रेड जैसा निशान बन गया, फिर दबाए बंद हो गया, दोबारा से दबाए तो पड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका असर पड़ता है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम दबा रहे हैं इसको, अभी ये देखिए ये लिफ्ट नीचे आ गई, फिर इसको करेंगे तो लिफ्ट ऊपर चली गई, ये यहाँ ध्यान से देखिए कैरिज में है जो ये होता है, इसको जो फिटर को हमें यहाँ से इस पर इस पॉइंट से ले जाती है और ले आती है, तो ये F6 से ऐसा होता है। तो ये जानकारी रही हमारे इन
छः बटनों की, और एफ सिक्स से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सर्च की बटन है, इससे हम सारी जानकारी का डिटेल निकाल सकते हैं। एफ सेवन से सारी जानकारी का डिटेल निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को इन छः, या कहीं कहीं पर छः बटन दिया हुआ है, कहीं कहीं पर सात बटन दिया हुआ है, डिस्प्ले की इन ऊपर के सात बटनों की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी और अच्छे तरीके से मिल गई होगी। अब आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा, F1 है इसका क्या काम है, F2 है इसका क्या काम है, F3 इसका क्या काम है, F4, F5, F6, F7, इन सात बटनों का काम मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा भी काम बताया हुआ है इसका भी, और एक्स्ट्रा भी काम बताया है इसका भी मैंने। तो आगे जो भी हम जानकारी देखेंगे A B C D E F, जो भी ये जानकारी है अगले पार्ट में हम इनको बताएंगे दोस्तों। तो आई होप हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो की जानकारी की वीडियो यहीं तक की है दोस्तों।